वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण कुमार रीजनिंग के एसएससी सीजीएल मेंस के इस फ्री बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था कि मैथ्स बाय राकेश यादव सर पे हम आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग और जीएस का बैच एकदम फ्री देने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट करेगा। तो ये बैच आप लोगों के लिए है। आपने एसएससी प्री का एग्जाम दिया है या आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपका स्कोर बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप हमसे पहले रीजनिंग स्पेशल के प्री और मेंस बैच में पढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली मेंस की तैयारी तो आपको वहां से हो ही गई है, इसलिए हमने कोई पेड बैच नहीं निकाला, फ्री निकाला है। कारण यह है कि अगर हम आपको प्रैक्टिस करा दें यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ, तो 90/90 यानी 30 के 30 सवाल आपके रीजनिंग में सही होने चाहिए। लक्ष्य वही है, 30 में से 28-29 की लड़ाई नहीं है, लड़ाई 30 में से 30 की है। इसलिए सबसे पहले मैंने टॉपिक जो चूज किया है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी का हिस्सा अल्फाबेट्स की एनालॉजी और अल्फाबेट्स के क्लासिफिकेशन में भी आने वाला है। तो ये एक चैप्टर नहीं है, पैरेलली हम तीन चैप्टर यानी एक कंप्लीट चैप्टर और दो अलग अलग सब टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे होंगे। जब भी हमारे पास एग्जाम में कोड आता है तो हम उस कोड को डीकोड करने में लग जाते हैं और हमारा काफी समय खराब हो जाता है। तो उस कोड को डीकोड करने के लिए मैं आपको सिर्फ 5-6 चीजें बता रहा हूं, आपको वो ध्यान रखना है, और उसके बाद जब आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। यहां पे मैक्सिमम की जो टाइप्स है उनकी यूनिक पहचान होती है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन कुछ सवाल होते हैं 6-7 टाइप, जिसमें आपको यहां पे इन लॉजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्फाबेट्स की रैंकिंग आपको बहुत अच्छे से याद है, और अल्फाबेट्स अपोजिट लेटर जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आप पहले भी हमसे बैचेस में पढ़ चुके हैं, तो हमने बहुत अच्छे से चीजें जो है वो आपको यहाँ पे कवर कराई है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पे मास्टर का कोड है, मास्टर। अब जब कोड अगर दिया गया है और अगर शुरू में कुछ प्लस माइनस किया, वो देखते ही पता लग जाएगा कि 13 और 3 16, 1 और 3 4 पर डी होता है, 19 और 3 22, 20 और 3 23 डब्ल्यू, 5 और 3 8 एच, 18 3 21 पर यू होता है। तो आपने फ्रंट साइड से ऐड कर दिया कितना, आपने फ्रंट से ऐड किया 3। तो फ्रंट से ऐड किया 3, तो सबसे पहला काम आपको एग्जाम में क्या करना है, फ्रंट में चेक करते हैं हम कि फ्रंट में कितना जोड़ा गया है। और ये चीज हमें बहुत जल्दी चेक कर ले, 2 से 3 सेकंड में पता लग जाएगा। अगर फ्रंट में ना हो, अगर फ्रंट में ना हो तो हम बैक में चेक करेंगे। तो मैंने यहां पे बैक साइड से 4 जोड़ दिया है, एग्जामिनर भी एग्जाम में कुछ ना कुछ जोड़ेगा, तो यहां पे बैक साइड से ऐड कर दिया गया 4। अगर जोड़ता नहीं तो घटा देता, जोड़ सकता था घटा सकता था। सबसे पहला काम आपको पेपर में यही चेक करना है, दूसरा काम आपको पेपर में यही चेक करना है, तीसरा काम क्या हो सकता है, तीसरा काम हो सकता है यहां पर क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रॉस का मतलब यह होता है कि इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर लिखेगा, इधर की वैल्यू यहां और यहां, यहां प्लस माइनस करके लिख सकता है। 1 में 4 जोड़ूंगा 5 ई होगा, 13 में 4 जोड़ूंगा 17 क्यू होगा, 20 और 4 24 पर एक्स होगा, 19 और 4 23 पर डब्ल्यू होगा, 18 4 22 वी होगा, 5 और 4 9 आई होगा। इसे कहते हैं क्रॉस कोडिंग। तो आपको क्या करना है, तीसरा काम एग्जाम में यही करके देखना है भाई आपको क्या ना, कोड का पता कैसे लगाना है। आप कोड का पता कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले आप फ्रंट में देख रहे होंगे, फिर आप बैक में देख रहे होंगे, फिर आप क्रॉस में देख रहे होंगे। ये नहीं होगा तो क्रिस क्रॉस या जंबल कोडिंग हो सकता है। ये सारी कोडिंग एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कोई एडिशनल चीज नहीं करा रहा, कोई बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहा। जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आएंगे वही सवाल, या आ चुके हैं मेंस में या आ सकते हैं, वही सवाल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। मेरे भाई जब हम यहाँ पे बात करेंगे मास्टर की, तो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि 20 और 4 24 24 पर एक्स होता है, 5 और 4 9 9 पर आई होता है, 18 और 4 22 22 पर वी होता है, 13 और 4 17 17 पर क्यू होता है, 1 और 4 5 5 पर आई होता है, 19 और 4 23 23 पर क्या होता है मेरे भाई, डब्ल्यू होता है। इसे जंबल कोडिंग भी कहा जाता है, इसे क्रिस क्रॉस कोडिंग भी कहा जाता है। ये आने ही आने हैं, ये टाइप में से कोई सा भी टाइप आ जाएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले काम आप ये करके देखेंगे, उसके बाद काम आप ये करके देखेंगे, उसके बाद आप ये चेक करेंगे, चौथा आप ये चेक करेंगे, उसके बाद पांचवा काम जो आपको चेक करना होगा मेरे भाई, पांचवा काम जो आपको चेक करना होगा वो क्या काम चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे ऑड।
ये क्या करता है कि ऑड संख्या में प्लस माइनस वन करके, या तो प्लस करेगा माइनस वन करके डिवाइडेड बाई टू कर देगा, या इवन संख्या में प्लस माइनस वन करके, प्लस माइनस वन करके, या इवन में सीधा डिवाइडेड बाई दो कर सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने आपको यहां पे शब्द दिखाई दिया मास्टर। अगर मास्टर शब्द हमारे पास है तो इसका कोड क्या बना सकता है भाई? एम तेरह होता है, एम तेरह होता है, तेरह में एक जोड़ो क्योंकि दो से डिवाइड होगा नहीं, चौदह, चौदह का आधा करो सात, सात पर जी होगा। ए वन होता है, एक में एक जोड़ो दो, दो का आधा करो एक, एक पर ए होगा। एस उन्नीस होता है, उन्नीस में एक जोड़ो बीस, बीस का आधा करो दस, दस पर जे होगा। टी बीस होता है, बीस का आधा करो, बीस का आधा करो दस, दस पर जे होगा। ई पांच होता है, पांच में एक जोड़ेंगे छे, उसका आधा करेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? सी होगा। तो आप देख रहे हैं कि मास्टर का कोड हमें यह दिखाई देगा, तो मास्टर का कोड जब ये दिखाई देगा तो हमें पता नहीं लगता इसमें क्या किया गया है। तो ये पांच काम आपको करने हैं। अपोजिट लेटर में भी कोड हो सकता है कि फ्रंट से अपोजिट लिखा गया होगा, बैक से अपोजिट लिखा जाएगा, क्रॉस में अपोजिट लिख देगा, क्रिस क्रॉस या जंबल में अपोजिट लिख सकता है। तो अपोजिट में भी ये टाइप्स हो सकती हैं। बाकी जो टाइप है उनकी अपनी अलग पहचान है, यूनिक पहचान है। मैं फिर दोहराता हूं भाई, आप एसएससी सीजीएल मेंस के बच्चे हैं तो केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि इस समय आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो यहां से कोड जरूर डिकोड होगा। शुरुआत में मैं आपको 16 सवाल वो कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुके हैं, सीएचएसएल के मेंस में आ चुके हैं। उसके बाद सारे के सारे सवाल यूनिक होंगे, मौलिक होंगे, जो किसी बुक से नहीं उठाए गए। इनफैक्ट यहां पे कंटेंट ओरिजिनल तैयार किया गया है, तो वो सवाल आपको कराएंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराएंगे और आप देखेंगे कि आप कोडिंग डिकोडिंग में धीरे धीरे जो भी डाउट्स थे वो आपके दूर होते जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे सीजीएल से ही है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कार्ड का कोड ये है, सर्व का कोड ये है, तो पैक का कोड क्या होगा और उसके बैक का होगा तो डी का कोड क्या होगा? सीजीएल टायर टू 26 अक्टूबर 2023। यानी ऐसी जब कोडिंग आती है तो इसमें कॉमन दिए जाते हैं, नंबर कॉमन हो सकते हैं, अल्फाबेट कॉमन हो सकते हैं, या सिंबल्स जो है वो कॉमन हो सकते हैं। अब आप मेरे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जस्ट आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। यहां एस ई आर वी है तो यहां पे आर आपको दिख रहा है, यहां पे आर आपको दिख रहा है, तो एक दो पांच छह और सात तीन पांच नौ में पांच आ गया, तो आर का कोड तो पांच हो गया, जो कि हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन हमें एलिमिनेट तो करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। अब अगले में आ जाइए, ए सी के हमारे पास क्या आ गया? ए और सी। हमारे पास आ गया ए और सी, तो दोनों में कॉमन क्या है? सात तीन नौ, तो हमारे पास सात और नौ कॉमन है, हमारे पास सात और नौ कॉमन है, सात और नौ कॉमन है, तो बचा हमारे पास डी। डी के लिए क्या कोड होगा भाई? तीन कोड होगा। और इस प्रकार से बिना पेन उठाए आप इस सवाल को सॉल्व कर चुके होंगे, कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या बना बेटा? ऑप्शन नंबर चार हमारा डी बनेगा। ये सीजीएल में आपका सवाल आया। दूसरा, बटर का कोड ये आ गया। अब लड़ाई होती है ऐसे क्वेश्चंस पे कि जब हमारे पास बटर का कोड ये है तो लैटेंट का कोड क्या होगा? मैं साइड हो जाता हूं ताकि सवाल आप देख सके। अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है सीजीएल का है और ये 26 अक्टूबर 2023 का है। मैंने आपको पांच काम बताए, पांच में से कोई एक काम आपको करके देखना है। बी से सी एक जोड़ा है, यू से डब्ल्यू एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, और टी से डब्ल्यू कितना जोड़ा है मेरे भाई? तीन। और उसके बाद आप देखेंगे टी से एस एक घटाया है, ई से सी दो घटाया है, और फिर तीन घटाया, एक दो तीन जोड़ा। अब यहां भी वही काम है बेटा, फटाफट से देख ले, एक उसके बाद दो और तीन, ये काम आपको फटाफट करना है। यहां से एक घटाया, दो घटाया और तीन, अब आपका आंसर आ गया लेटेंट। लेटेंट बेटा ऑप्शंस पर हमेशा ध्यान दिया करो। अगर हम पहला अक्षर देखेंगे तो हमारे पास एल में एक जोड़ेंगे तो वो एम ही आना है, लेकिन लास्ट अक्षर में, लास्ट अक्षर में हमें क्या करना होगा बेटा? माइनस करना होगा। लास्ट अक्षर में माइनस करना होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब ये हमारा आंसर नहीं होगा, अब लड़ाई है यहां पे, एम और क्यू नजर आया, एम और क्यू नजर आया, दूसरे लेटर से हमारा आंसर हो जाएगा। ए में हम दो जोड़ेंगे तो सी आएगा, सी आएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यानी इस पैटर्न में क्या किया गया है? प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। जो पांच काम मैंने बताए उन पर ध्यान रखना है। सबसे पहला काम फ्रंट में जोड़ घटा करके देखना है आपको, फिर दूसरा काम क्या देखना है? बैक साइड से। तीसरा क्रॉस में देखना है, फिर आपको क्या है? जंबल देखना, उसके बाद ओड इवन के पैटर्न, फिर वॉवल्स वगैरह की जो पैटर्न है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगले चलते हैं हम सवाल नंबर तीन पे। सवाल नंबर तीन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी सवाल है,
आइए मेरे भाई बोर्ड पे देखते हैं, क्लॉक का कोड है, क्लॉक का कोड है 4:13:17। अब आप जानते हैं तो फोन का कोड क्या होगा, तो क्लॉक में आप जानते हैं कि क्लॉक पर C3 होता है तो 4 लिख दिया गया है, C3 होता है, L12 होता है, O15 है, यहां दो जोड़ा गया है, C3 होता है और K11 होता है, बीच वाले में दो जोड़ दिया बाकी सब में एक जोड़ा है, बीच वाले में दो जोड़ दिया बाकी सब में एक जोड़ा है। तो मेरे भाई यहां पर हम जाएंगे और सीधा फोन का जवाब देंगे, P16 और 1 17 होता है, उसके बाद 8 और 1 9 होता है, 15 और 2 17, 17 और 9 17 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे इन्होंने जो जोड़ा गया था वो क्या जोड़ा गया था, बीच वाले लेटर में दो और पहले वाले लेटर में जो है दूसरे लेटर में एक जोड़ा गया था। तो बहुत आसान सवाल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं साइड हो जाता हूं बेटा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पॉज कर लेना है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ाओ। तो चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 सीजीएल टायर 2 2 मार्च 2023 का है, आप सॉल्व कर लीजिए फिर मैं आगे आके आपको सॉल्व कराता हूं। चलिए, ड्रॉप को जो कोड लिखा गया 59 पेंट का 80, देखो दोनों में जब दो डिजिट के कोड आ जाए तो या तो फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल होगा या बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल होगा, या फॉरवर्ड रैंकिंग में अक्षरों की संख्या जोड़ देगा, बैकवर्ड में जोड़ देगा, घटा देगा, डबल कर देगा, आधा कर देगा, कोई ना कोई काम इसमें होगा। पेंट में 5 अक्षर है, ड्रॉप में 4 अक्षर है, तो क्यों ना हम ड्रॉप को सॉल्व कर लें भाई। अब ड्रॉप का जब हम टोटल करते हैं तो D4 होता है, R18 होता है, O15 होता है और P16 होता है। तो यहां पे हम देखेंगे 16, 4, 20, 18, 15, 33, तो लगभग लगभग हमारे पास जो टोटल गया है तो 16 और 4 20 18 15 33 53 53 से 59 जाने में, या तो हम कह सकते हैं कि हमने 6 जोड़ दिया, या अक्षरों की संख्या हम लेते हैं तो 4 और 23 27 18 और 9 27 15 और 12 27 16 और 11 27, दोनों काम आपको जल्दी करने होंगे। 11 और 9 20 20 और 23 43 43 और 12 55 हो गया, और 55 में अगर हम 4 अक्षर जोड़ दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 4 अक्षर हैं तो ये 59 हो गया। अब चाहे तो आप पेंट में कंफर्म कर लें, हालांकि ये कंफर्म हो गया है, अगर आप पेंट में कंफर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, P16 और 11 27 1 और 26 27 9 और 18 27 14 और 13 27 20 और 7 भी 27 13 7 20 और 26 हो गया 46 18 11 29। जब 40 में आप 29 जोड़ेंगे तो 9 6 15 4 2 5, और पेंट में 5 अक्षर हैं, 75 और 5 80, यानी 100% यही किया गया है। अगर आप मार्केट का कोड बनाते हैं M13 और 14 27 1 और 26 27 18 और 9 27 11 और 16 27 5 और 22 27 20 और 7 भी कितना होता है 27। आप टोटल करके देखिए बेटा, 6 4 10 9 19 6 25 27 27 और 7 34, 3 2 5 6 2 8 और 1 9, और इसमें 6 जोड़ दो क्योंकि इसमें 6 अक्षर हैं, अगर हम यहां पे 6 अक्षर जोड़ देंगे तो हमारा काम होगा 100। तो ये एक अच्छे लेवल का सवाल था, यानी यहां पे आपकी कैलकुलेशंस अगर थोड़ा सा ठीक हो तो आप इसे जल्दी कर सकते थे। आप दिल थाम के बैठिए, मैं केवल प्रीवियस ईयर नहीं करा रहा, 16 सवाल कंप्लीट होने के बाद, प्रीवियस ईयर होने के बाद सारे मौलिक प्रश्न आएंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल जो कि CHSL टायर 2 10 जनवरी 2024 का है। आपको यहां पे जो कोड दिया गया है तो सेम यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने SSC सीजीएल में देखा था। तो CHSL का सवाल जो कि बहुत आसान है, यहां पे आप देखिएगा कि आइडल का कोड ये है और इसका कोड ये है, आइडल का, आइडल का, तो दो के लिए कोड क्या होगा। अरे दोनों में आइडियल आइडियल सेम है, आइडियल आइडियल सेम है, हमारे पास यहां भी हमारे पास आइडियल सेम है, यहां भी हमारे पास आइडियल सेम है, 4 3 7 8 4 3 7 8 में हमारे पास यहां दो अलग है और यहां पे हमारे पास जो है 4 3 7 8 में यहां दो अलग है, 3 8 7 सेम है, 3 और यहां पे 4 अलग है, तो एक ही चीज है। अगर O के लिए पूछा जाए तो 4 होगा, और 2 जो पूछा जाए वो E के लिए होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर जो है वो आपने बताया। देखिए कितना आसान था। तो अगर कोई सवाल हमारा समय भी लगाता है तो दूसरा जो सवाल है वो हमारा समय भी बचाता है। नेक्स्ट है कैंट का और बेंट का, तो बी के लिए कोड क्या होगा। हो गया, मैं सामने आके बता देता हूं।
यहां पे हमारे पास KENT और BENT, तो यहां पे केवल B अलग है, यहां पे केवल K अलग है। तो आपसे पूछा B का कोड क्या होगा, तो ENT को हटा दो, ENT को हटा देंगे तो 7 और 9 दिख रहा है और एस्ट्रिक का साइन हमें दिख रहा है। तो यहां पे ये सिंबल एकदम नया है, यहां पे ये सिंबल और यहां पे ये सिंबल एकदम नया है, तो यही सिंबल हमारे लिए B का होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एकदम बढ़िया भाई, सभी को क्लियर हो गया। आप इसकी PDF और हैंड रिटन नोट्स भी, यानी ये भी आपको मिलेगा जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, और इसकी प्रॉपर स्टूडेंट PDF इंग्लिश और हिंदी माध्यम से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में गेट का कोड दिया गया है आइडल का और मिल्क का कोड पूछा है। देखो मिल्क शब्द इनसे मिलकर तो नहीं बनेगा, आपको हमेशा फ्रंट में ध्यान देना और फिर बैक में ध्यान देना है, तो फ्रंट में ध्यान देंगे या बैक में ध्यान देंगे। जी और ये रहा जे, तो कितना जोड़ दिया भाई, क्या रिलेशन है यहां, जी और जे में 3 का रिलेशन, ए से ओ पता नहीं चला, लेकिन बैक साइड से तो पता चला, बैक साइड से तो पता चला, बिल्कुल पता चला। ई 5 होता है, जे 10 होता है, टी तो कितना जोड़ दिया बेटा, 5 जोड़ दिया, टी 20 होता है तो ये 15 होता है, 5 घटा दिया, ए 1 होता है, एफ 6 होता है, 5 जोड़ दिया, और जी 7 और बी 2 तो 5 घटा दिया, 5 जोड़ा 5 घटाया, 5 जोड़ा 5 घटाया। थोड़ी सी कंफर्मेशन आगे जरूर कर लिया करो कि नॉम यहां से हमने 5 जोड़ा तो जी आ गया और 5 घटाया तो जी आ गया, 100% यही बनेगा। अब मिल्क में बैक साइड से मैंने क्या बताया था, मैंने 5 आपको गोल्डन ट्रिक्स बताई थी, 5 ट्रिक ध्यान रखना, कभी भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। बैक साइड पर ध्यान देंगे तो 11 में से 5, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर पी होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 तो जी होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सदैव ऑप्शन की मदद लिया करो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट अगला सवाल, मैं साइड हो जाता हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने देख लिया होगा, अब मैं आ जाता हूं सवाल पे। CHSL टायर 2 का सवाल है और जबरदस्त सवाल है। 5 काम जो मैंने आपको बताए थे कि आपको चेक करना है, वो यहां फटाफट से चेक कीजिएगा। रिटेल का कोड इन्होंने दिया है, RETAIL, रिटेल का कोड जो दिया है वो दिया है FNQWJY। मैंने क्या कहा है, फटाफट से फ्रंट में चेक करो, R और F में 12 का अंतर, E और N में कोई रिलेशन नहीं है, 9 का आया तो खत्म हो गया। बैक साइड में चेक करो, 12 में से 6 गए 6, 9 और 5 14, 5 हो सकता है, लेकिन A और Q खत्म हो गया। अब आपको क्रॉस में चेक करना है, ई से एफ 1 बढ़ सकता है, आर से एन 4 घट गया, टी से डब्ल्यू रिलेशन ही नहीं है 3-3 का। तो अब मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था, चौथा पॉइंट क्या बताया था कि यहां का रिलेशन यहां चेक करो, यहां चेक करेंगे ए से एफ का रिलेशन तो ये 5 जोड़ दिया गया है, आई से एन का रिलेशन तो ये 5 जोड़ दिया गया है, एल से क्यू का रिलेशन ये 5 जोड़ दिया गया है। सवाल CHSL का है, लेकिन है बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बेटा T से W, 18 से 5 23 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 18 से 5 जोड़ेंगे तो W होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 J होगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 पर Y होगा। अब आपको हर बार का उत्तर बताना है, हर बार का उत्तर कैसे बताएंगे, आपको इन में 5 जोड़ना है, B में 5 जोड़ेंगे, B 2 होता है, 2 और 5 7, 7 पर G होगा, 15 और 5 20, 20 पर T होगा, 18 5 23 पर W होगा, तो यहां पे तो ये ऑप्शन हमारा आउट हो गया है। उसके बाद हम 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 पर M होगा, M होगा तो ये ऑप्शन भी हमारे पास आउट हो गया। उसके बाद 1 और 5 6, 6 पर F होगा तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर A, तो ये देखिएगा ये कौन सी कोडिंग थी, क्रॉस कोडिंग, जिसे क्रिस कोडिंग भी कहा जाता है। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि जो सवाल आ चुके हैं और जो आएंगे वो आपको हम यहां पे कवर करा के देने वाले हैं, रिकॉर्डेड, इसलिए कि आप पॉज करके फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 9, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप एक बार सवाल देख लें। सवाल नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आइए बेटा सॉल्व करते हैं। प्लमेज का कोड है और क्रश का कोड है, तो ट्राइबल का जो कोड है वो क्या होगा। तो यही चीज आपको कहा, मैंने कहा फ्रंट में चेक करो, पी और जी में काफी गैप है, एल और आई नहीं बनेगा। अब बैक में चेक करो, ई से जी 2 जोड़ा है, जी से आई 2 जोड़ा है, ए से सी 2 जोड़ा है, एम से ओ 2 जोड़ा है, हो गया सॉल्व।
मैंने जितनी ट्रिक्स मैंने बताई केवल आप उनको फॉलो कीजिएगा, आपका सवाल कभी रुकेगा नहीं। तो आइए बेटा, ट्राइबल में बैक साइड से आपको दो जोड़ना है, एल एल में दो जोड़ेंगे तो हमारे पास एन आएगा और ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। तो एन सी बी, तो तीसरे में जोड़ेंगे दो और दो चार, तो हमारे पास डी होगा, डी होगा तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एन सी बी था तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। एन सी डी और एन सी डी, जे और के में डिसाइड करो, चौथा अक्षर है, नौ और दो ग्यारह तो के होगा, के होगा तो हमारा आंसर ए होगा और हमारा आंसर जो है वो थर्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर ऑप्शन नंबर ए बना। समझ में आ गया बेटा, पहचान सबको क्लियर है, यस या नो? अब चलते हैं सवाल नंबर 10, सीजीएल टायर टू का है सवाल नंबर 10। आइए, सवाल नंबर 10 सीजीएल टायर टू का है। मैंने कहा जब भी ऐसे कोड आ जाए दो डिजिट में या तीन डिजिट में, बड़े कोड है नहीं है, तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड का टोटल करना है। यहां छह अक्षर है, यहां पांच अक्षर है, तो पांच अक्षर वाले को उठा उसका टोटल और जल्दी होगा। हमने जम्मू उठाया, पहले आप फ्रंट में जोड़िए, जे 10 होता है, ए 1 होता है, एम 13 होता है, एम 13 होता है, यू 21 होता है, तो 13 और 13 26, 26 और 1 27, 27 और 10 37, 37 और 20 57 और 1 58, 58 का 82 के साथ तो संबंध बड़ा दूर हो जाएगा। बैकवर्ड पर आते हैं, 10 बैकवर्ड पर आते हैं, 10 और 17 27, 1 और 26 27, 13 और 14 27, 13 और 14 27, 21 और 6 27, 14 एकम 14, 14 दुनी 28, 28 6 34, 34 और 17 51, 51 और 26 अगर हम जोड़ें, 51 और 26 हम जोड़े 7 77, 77 में 5 जोड़ दो तो इसका टोटल आया 77, 77 में जम्मू के 5 अक्षर जोड़ दें तो 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। बहुत सटीक भाई, मद्रास में चेक करने की जरूरत नहीं है, बनेगा। हमें बताना है पंजाब का कोड, यानी यहां पर बैकवर्ड रैंकिंग में जोड़ा गया है अक्षरों की संख्या। तो पंजाब का कोड जब हमें बताना है तो हमारे पास पी 16 11 27 21 6 27 एन 14 और 13 27 जे 10 और 17 27 ए 1 और 26 27 बी 2 और 25 27 होता है। तो आइए टोटल कर लेते हैं बेटा, टोटल जब यहां करते हैं तो 51 हो गया, ये कितना हो गया 51, और ये हो गया हमारे पास 30 81। ये देखो ना, 25 और 26 51, 17 और 13 30 81, 81 और 6 87, 87 और 11 98, 98 में हमें 1 2 3 4 5 6 जोड़ना है, और अगर हम 98 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। तो ये रहा सेकंड यहां पे सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट से देख लीजिएगा। सीजीएल टायर 2 7 मार्च 2023 का सवाल है, और ये जानते हैं ना नॉर्मलाइजेशन के चलते वैसे ही सवाल डालता है, तो ये सवाल भी वैसे ही है, दो अंकों का है, दो अंकों का है। तो हमें यहां क्या करना है, पॉलिश का कोड 89 है, क्लिप सबसे छोटे वाले कोड को उठा करो, छोटे वाले कोड का टोटल आप जल्दी कर पाएंगे। वैसे यहां बैकवर्ड ही मिलना है, लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली कराता हूं कि सी 3 होता है, एल 12 होता है, आई 9 होता है, पी 16 होता है, 16 और 9 25, 12 3 15, 25 15 40, तो इसके नजदीक भी नहीं पहुंचा। और देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, 27 का 4 108 होता है, 40 घटा था, मैं भी प्रूव करता हूं, 3 और 24 27, 12 और 15 27, 9 और 18 27, 16 और 11 27, टोटल जब हम करते हैं तो 15 और 18 होता है 33, 33 और 11 होता है 44, 44 और 24 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 68 हो जाता है, और 68 में मैं 4 जोड़ दूं तो ये 72 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि जब आपने इसका टोटल कर लिया था, दूसरा तरीका जब आपने इसका टोटल कर लिया था कि 16 और 9 25, 12 3 15 तो हो गया 40, तो आपको क्या करना था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का टोटल 27 होता है, 27 में 4 जोड़ दो 108, 108 में से आप 40 घटा दो, ये आ गया 10 में से 4 गया 6, ये वही आएगा, तो दोबारा टोटल करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो टोटल होता है वो 27 होता है, इसलिए। तो इसका फॉरवर्ड का टोटल बैकवर्ड का 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा, 27 चौका 108, और 108 में से जब हम फॉरवर्ड कर चुके थे 40 तो 68 आएगा, दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 जोड़ दो तो 72 हो जाएगा। कंट्रोल शब्द का टोटल क्या होगा मेरे भाई, कंट्रोल शब्द का टोटल क्या होगा, सी 3 और 26 29 हो, सी 3 और 24 27 होता है, 15 12 27 होता है, 14 13 27 होता है,
20 और 7 27 होता है, 18 और 9 27 होता है, 15 और 12 27 होता है, 12 और 15 27 होता है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36 और 48, 12 पंजे 60 और 61 हो जाएगा। तो एक टोटल तो हमारे पास 61 हो गया, 61 और 9 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया, तो 77 हो गया, 77 में 15 जोड़ दो, 7 5 12, 7 8 9 92 हो गया, और 92 में आप जोड़ेंगे 7, 92 और 7 होता 99, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही उत्तर हुआ 99। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कोड किया गया है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सीजीएल टायर 2 का ही सवाल है। आप ये देखिएगा कि डी और वी बहुत दूर है, कोई फर्क नहीं है, तो तुरंत बैक साइड में आइए, टी और वी दो का अंतर, एन और पी दो का अंतर, ई और जी दो का अंतर, बैक साइड में दो, क्यूबॉइड में बैक साइड में दो बनाएंगे ऑप्शन से, तो ये एफ हो जाना है, यानी शुरुआत एफ की होनी है, एफ और की आना है, एफ और की आना है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, लास्ट में ई और एफ से आंसर आएगा, दो जोड़ा गया है तो तीन में दो जोड़ूंगा पांच, पांच पर ई होगा, ये हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा, और इतने से समय में आप अपने सवाल को डीकोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मैं साइड हो जाता हूं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पे आपको फिर से दो अंकों का टोटल यहां पे दिखाई दिया और सिंबल को कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने फिर कहा मेरे भाई यहां पे आपको क्या करना है, फॉरवर्ड रैंकिंग टोटल करो, बैकवर्ड वाले सवाल आए हैं, फॉरवर्ड वाले इस बार आपके एग्जाम में आ जाएंगे। सी 3 होता है, आर 18 होता है, ओ 15 होता है, एस 19 और 19 38 होता है, तो मेरे भाई यहां पे 15 और 3 18 हो गया, 18 18 36 हो गया, 36 और 38 हमारे पास जो हो गया वो 74 हो गया, जो नजदीक भी नहीं है। अब 74 को क्या करो, क्रॉस में 1 2 3 4 5 होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड का टोटल 27 होता है, तो 27 गुना 5 कर दो, 27 पंजे 135 होता है, 135 में से 74 घटा दो, 5 में 4 गए, 13 में 7 गए, 6 61, और 61 में 5 अक्षर जोड़ दो तो ये बैकवर्ड आ गया, तो 61 में 5 अक्षर जोड़ दो तो 66, यानी बैकवर्ड रैंकिंग से कोड आया है, तो फॉरवर्ड का बैकवर्ड आप 27 के मल्टीपल से घटाकर बता सकते हैं। सिंबल का कोड एस 19 होता है, 19 और 8 27, वाई 25 और 2 27, एम 13 और 14 27, बी 2 और 25 27, ओ 15 और 15 27, एल 12 और 15 27 होता है, 15 और 12 27, एल 12 और 15 27 होता है, 25 और 15 हो गया 40, 40 के बाद 12 14 26 हो गया, 66 हो गया, 66 और 2 68 हो गया, और 68 और 8 हमारे पास कितना हो गया भाई, 76 हो गया। अब 76 में हमें कितना जोड़ना है, 6 अक्षर जोड़ दो, 76 और 6 कितना होता है 82, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा 82, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल मैं साइड हो जा रहा हूं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हो गया भाई, चलिए कराते हैं। यहां पे आपसे दिया गया कि कंपास का कोड अभी फ्रंट में ही दिख गया, सी और डी एक जोड़ा, ओ और क्यू दो जोड़ा, एम और एन एक जोड़ा, पी और आर दो जोड़ा, ए से बी एक जोड़ा और दो जोड़ा, एक दो जोड़ते हुए, एक दो एक दो जोड़ते हुए, एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, एन आएगा तो ये हमारा आंसर नहीं है, दो जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू आएगा तो यही हमारा आंसर है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे सही उत्तर होगा, एन क्यू यू क्यू एस क्यू एम सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मैं साइड हो जाता हूं, यहां पे सेम वही सवाल जो पहले आपसे पूछा गया था सीएचएसएल टायर 2 में 2 नवंबर 2023 को, टॉकर का टॉक्ड का, तो डी का कोड क्या है। अब आप ये देखिएगा टी ए एल के ई आर, टी ए एल के ई आर, यहां पे आर अलग है और यहां पे डी अलग है, तो दोनों में एक ही कोड होगा, दोनों में एक ही कोड होगा जो यहां पे अलग होगा, तो दोनों में एक ही कोड होगा, तो लास्ट वाला कोड ये मुझे अलग दिख रहा है और मुझे परसेंट अलग दिख रहा है क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं, इसका मतलब आर के लिए परसेंट होगा, डी के लिए पाउंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका वाकई में समय बचाएंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16,
फॉन और लॉन का कोड दिया गया है, एल का कोड क्या होगा? ए डब्ल्यू एन कॉमन है, ए डब्ल्यू एन कॉमन है। यहां पे नो और ब्रैकेट के सिंबल, नो और ब्रैकेट के सिंबल कॉमन है, एल का कोड क्या बनेगा? एक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इतना आसान भी सवाल जो है वो यहां पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगले सवाल में आपको डीलक्स का कोड दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलते हैं, तो डीलक्स का कोड ये है, ग्रेट का कोड ये है, तो क्वारल का कोड क्या होगा? आप ये देखिएगा कि हम फ्रंट में चेक करते हैं, डी 4 और 1 5 हो गया, हो सकता है ई से 2 या 24 का रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन मुझे यहां पे दिख गया कि टी 20, देखो उसको देखो, अगर पेपर में इधर चीज और इधर चीज है तो कंपेयर नहीं होगा, जो नजदीक में हो वो जल्दी कंपेयर होगा। आप फ्रंट में कंपेयर करो, जी 7 और बी 27 हो सकता है 18, और वो फेल हो गया। लेकिन टी को 20 लिख दिया गया है, ए को 1 लिख दिया गया है, ई को 5 लिख दिया गया है, आर को 18 लिख दिया गया है, और जी को 7, यानी बैक साइड से रैंकिंग लिख दी गई है। क्वारल का कोड क्या होगा? क्वारल में क्यू यू, तो क्यू ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्यू यू ए, ए 1 होता है, क्यू जो हमारे पास 17 हो गया, यू 21 हो गया, ए 1 है, तो हमारे पास यहां पे जो ऑप्शन है 0, आर 18 होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया, तो अभी तक हमारा सेम चल रहा है, आर फिर 18 होता है, ई 5 होता है, 5 होता है तो यहां पर गड़बड़ है, यहां पे ये सही है, ऊपर गड़बड़ है, क्योंकि यहां नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां ऑप्शन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे चलते हैं, अब सारे प्रश्न जो है वो हमारे मौलिक रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, ये जस्ट शब्द तो हमने अभी किया है, आ जाते हैं केवल शब्द, केवल शब्द, केवल शब्द को ये लिखा जाता है, तो उसी शब्द में जैटम को कैसे लिखा जाएगा? मैंने क्या कहा है भाई, सबसे पहले आप फ्रंट में चेक करो, करो चेक, तो आपने कहा कि सर बहुत आसान है, सी 3 होता है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, एल 12 होता है, ई 5 होता है, जेटम में जेड 26 होता है और ए 1 होता है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। उसके बाद टी 20 होता है, तो 26, तो 26 1 और 20 हमें नजर आएगा, 26 1 और 20 वो ऑप्शन नंबर 4 में नजर आया, सीधा रैंकिंग यहां पे लिखी गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर कोडिंग में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपके वैल्यूज बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, ये रही बड़ी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई के माध्यम से पॉसिबल है, ए 1 होता है, आर 18 होता है, ई 5 होता है और पी 16 होता है, तो 18 पंजे 90 और 16 निम्मा 144, तो ये आंसर बनेगा, 18 पंजे 90 16 निम्मा 144 आंसर बनेगा, एन 14 होता है, आई 9 होता है, पी 16 होता है और ई 5 होता है। जब भी बड़ी संख्या आ जाए ना बेटा, टोटल करके देखिएगा, अब ये हो गया हमारे पास 16 पंजे 80, 14 निम्मा 126, 2 जीरो हमारे पास जो है यहां पे, 1 जीरो होनी तय है, 8 6 48 4, 8 दुनी 16 4 20, 8 एक 8 और 2 10, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आप टोटल करें, और ये काम आपको तभी करना है जब अल्फाबेट्स की वैल्यू काफी बड़ी आ जाए, दो डिजिट में आ रहा है तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। आगे चलते हैं, तो अगला सवाल हमारा एकोड, तो अगला सवाल हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एकोड का कोड 18, बैरन को बेहतर। एकोड का जब हम टोटल करके देखते हैं, एकोड का कोड दिया गया है 18, ए 1 है, सी 3 है, सी 3 है, ओ 15 है, आर 18 है, डी 4 है, 18 4 22 3 25 15 40 44 नहीं, नजदीक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बेटा बैरन का कोड 72 है, बैरन का कोड 72 है, बैरन में भी 2 होता है, ए 1 होता है, आर 18 होता है, आर 18 होता है, ई 5 होता है, एन 14 होता है। अगर हम यहां टोटल की ही बात करते हैं, तो इन्होंने तो यहां पे जो टोटल दिया गया वो 72 टोटल दिया है, ऊपर 18 है, 18 18 36 5 41 42 44 44 और 14,
तो वो भी नजदीक इसके नहीं गया। ऐसे स्थिति में किसी दो लेटर का टोटल हो सकता है, दो लेटर का मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे हम यहां पे बात करें 18 एकम 18 हो सकता है, तो यहां पे 18 दुनी हो सकता है। दोनों का अगर हम टोटल करते हैं 15 3 18 तो यहां भी नहीं हुआ, 18 तो यहां भी नहीं हुआ हमारे पास। तीसरे लेटर और चौथे लेटर का 18 18 36, 36 दुनी 72, 18 एकम 18 हो सकता है। तो क भी हो सकता है भाई, कार्नेल में चेक करना पड़ेगा, CARNAR ये चेक करना पड़ेगा हमें, हमें चेक करना पड़ेगा। आर 18 होता है, सी 3 होता है, एन 14 होता है। 18 और 14 हमारे पास 32 हो गया, 32 दिया हो गया 96, 96 मिल गया, तो फिर यही टाइप है। और ये सबसे यूनिक और सबसे स्पेशलाइज्ड टाइप है, तो ऐसे सवाल को भी छोड़ना नहीं है भाई। यानी जब आपको रैंकिंग ना मिले तो किसी भी दो लेटर की पोजीशंस को जोड़ के तीसरे से मल्टीप्लाई कर देगा, फर्स्ट लेटर से मल्टीप्लाई कर देगा। यहां पे इन्होंने क्या किया था कि इन दोनों को जोड़ा और पहले से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जोड़ा और पहले से मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आइए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। शोर का कोड है, शोर को किस प्रकार कोड किया जाएगा, रिमेन का कोड है IDNZHRM, ये कोड है, ये कोड है। तो मेरे भाई हमें तो कुछ ऐसा लगा, यहां पे N का अपोजिट M होता है, N का M होता है, A का Z होता है, M का N होता है, R का I होता है। ये सारे अपोजिट है, ये सारे अपोजिट है, और ये वॉवल है, ये दोनों वॉवल है, वॉवल है, ये भी वॉवल है। तो वॉवल में कर दिया है, वॉवल में कर दिया है -1। आई 9 में से एक गया 8, 5 में से एक गया 4, और जब मैं यहां पे कॉन्सोनेंट्स की बात करता हूं तो उन्हें अपोजिट कर दिया गया। वेरीफाई करते हैं, एफ का अपोजिट यू है, आई में से एक माइनस कर दिया, बिल्कुल यही है। एस का अपोजिट एच है, यू में से एक माइनस करेंगे तो टी आएगा, एच टी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सिर्फ कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है इनके बीच में, और कॉमन देखते हुए भी आप अपना कोड बता सकते हैं। आपसे पूछा सी और ब्यूटी का कोड, आप यहां पे देखिए भाई, आप यहां पे देखिएगा कि यहां पे हमारे पास जो है वो ब्यूटी दिखाई दे रहा है कॉमन, और हमें ब्यूटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्यूटी से मतलब हमें सी और ब्यूटी। तो ब्यूटी का कोड जो आपको दिखाई दिया वो 3 और हैश दिखाई दिया, स्माइल एंड ब्यूटी, और स्माइल इज ब्यूटी एंड बीस्ट। तो यहां पे हमें 3 और हैश दिखाई दिया, तो यहां हमें 3 और हैश दिखाई दिया। ब्यूटी के कोड में 3 और हैश मिलेगा, 3 और हैश मिलेगा, तो ये गलत हो गया, यानी ब्यूटी का कोड हमारे पास 3 और हैश है। अब सी को कर लेते हैं, सी को जब हम कोड करते हैं हमारे पास, तो यहां पे सी में आपको और भी विकल्प दिखाई दे रहे हैं, अब इनको एलिमिनेट कर देते हैं। स्माइल इज एंड बीस्ट, तो हमारे पास यहां पे हमने इसे स्माइल को हटाया, जब स्माइल को हटाया, स्माइल को हटाया, हमारे पास जो कॉमन था 5% और 7 एंड, तो ये स्माइल का कोड हो गया, ये हट गया। उसके बाद जब हमने इसमें से बीस्ट का, सी और बीस्ट को हटाया, बीस्ट को हटाया और बीस्ट को हटाया, तो 8 स्टार और 4 और क्वेश्चन मार्क, तो 4 और क्वेश्चन मार्क, तो सी के लिए बचा 8 और स्टार, तो 8 और स्टार, 3 और हैश, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, कैरेट को 69 और चिली को 47 के रूप में कोड किया, तो ट्रेड का कोड क्या होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको अब इसके रैंकिंग का काम करना है। सबसे पहला काम आप टोटल करेंगे, जब भी पेपर में सवाल आए सबसे पहला काम ही टोटल होता है। कैरेट, कैरेट का टोटल करते हैं, सी 3 होता है, ए 1 होता है, आर 18 18 36 होता है, आर 18 18 36 होता है, ये 15 होता है और ये 20 होता है, तो 20 और 15 35 35 और 35 70 और 71 71 और 3 74, तो हमारे पास 74 आया, और 74 से हमें कोड चाहिए 69, तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 5 6
अगर मैं यहां पे 6 माइनस कर रहा हूं, 5 माइनस कर रहा हूं अक्षरों की संख्या, तो हमारे पास 69 आएगा। यानी अक्षरों की संख्या से जो है वो एक हम माइनस करके देखें, या हमने कोई टोटल में गलती तो नहीं की बेटा, 15 और 20 35 हो गया, 36 पे 71, 72 और 3 75 हो रहा है। जी हाँ 75 हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, 75 हो रहा है जब 75 में से हमने 6 अक्षर माइनस कर दिए। अगर 75 में से हमने 6 माइनस कर दिए तो हमारे पास ये 69 बचा। बात करते चिली में चेक करना पड़ेगा, चिली में चेक करना पड़ेगा, C3 होता है, H8 होता है, I9 होता है, L12 12 24 होता है, I9 होता है, तो 9 9 18, 18 8 26, 26 और 3 29 और 29 में 24 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5 53, और 53 में से हमने 6 अक्षर घटाने हैं, 53 में से 6 घटाएंगे तो 47 आएगा, एकदम सही है। ट्रेड में हमारे पास T20 होता है, ट्रेड में हमारे पास T20 होता है, R18 होता है, A1 होता है, D4 होता है और E5 होता है, इनका टोटल करने के बाद हमें 5 घटाना है, 5 घटाना, तो इसको हमने कैंसिल ही कर दिया। 20 और 18 38, 38 और 4 42 और 1 43, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक बार कोड देख लीजिएगा भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। मैंने फिर कहा कि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन पर ध्यान देना है। आइए मेरे भाई कॉमन पर ध्यान देते हैं, हैप्पी का कोड क्या होगा। आप यहां पे देखो कि यहां पे आपको हैप्पी दिखाई दिया, यहां भी आपको हैप्पी दिखाई दिया और यहां भी आपको हैप्पी दिखाई दिया, तो तीनों में सब कुछ कॉमन क्या है, MZ RS YH YG, तो YS है हमारे पास, RS है, तो ये रहा RS, ये रहा RS, ये रहा RS, तो इसका कोड RS होगा। तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर ध्यान हम केंद्रित रखेंगे। आगे चलते हैं, बेल का कोड 26 है, बेल का कोड 26 है, जब बेल का कोड 26 होगा तो बेल में B2 होगा, E5 होगा, L12 होगा, 12 और 12 24, 24 और 2 26 5 31, 31 और 26 में अक्षरों की संख्या का भी मिलन नहीं है, कोई मेल नहीं है। हाउस को देखते हैं, हाउस को हमें देखना होगा, H8 होता है, O15 होता है, U21 होता है, S19 होता है, E5 होता है, टोटल करते हैं 15 5 20, 19 20 40, 60 और 8 68, 68 हो गया, तो ये भी 27 है भाई, नहीं हुआ। और क्या कर सकते हैं अब इसमें, तो मैंने कहा था वावल और कॉन्सोनेंट के पैटर्न को आपको ध्यान रखना होगा, वावल और कॉन्सोनेंट के पैटर्न को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो कोड दिया गया है वो तो यहाँ पे इसका 27 कोड दिया गया है और इसका जो कोड दिया गया है वो 26 कोड दिया गया है। अगर मैं 12 और 12, 24 और 2 26 केवल वावल्स कॉन्सोनेंट का टोटल करूं, कॉन्सोनेंट्स का टोटल, यानी इस शब्द के अंदर जो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, अगर मैं कॉन्सोनेंट का टोटल करूं तो हमारे पास 26 आ रहा है। यहां कॉन्सोनेंट का टोटल करते हैं भाई, एक 8 है और एक 19 है, तो यहां पे 27 आ रहा है। यानी इस शब्द में केवल कॉन्सोनेंट का टोटल था, क्योंकि बहुत छोटा था, मैंने जानबूझ के हाउस का टोटल आपको दिखाया, वो काफी बड़ा जा रहा था, 27 टोटल तभी बनेगा, तो या तो वावल का टोटल रखेगा या कॉन्सोनेंट का, या टोटल का आधा कर देगा, जो कि यहां पे आधा भी नहीं था। ब्लैंकेट में B2 होता है, L12 होता है, जब हम यहां ब्लैंकेट की बात करते हैं तो ब्लैंकेट में B2 है, L12 है, इसका टोटल चलेगा, N14 है, K11 है और T20 है, इसका टोटल नहीं चलेगा, इसका टोटल नहीं चलेगा। 12 और 2 14, 14 और 14 28, 28 और 20 48, 48 और 11 होता है 59, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल कैरेट का कोड 96 है, कैरेट का कोड 96 है, कैरेट, कैरेट का कोड 96 है, टेबल का कोड 30 है, क्लॉक का कोड क्या होगा। C3 होता है, A1 होता है, R18 होता है, 18 18 36 होता है, O15 होता है, T20 होता है, 18 18 36, 36 और 20 56 हो गया, 56 और 15 70 71 हो गया, 72 और 3 75 हो गया, बात जो है वो नहीं बनी, 75 और 96 में काफी अंतर है। बात जब हम यहां करते हैं टेबल की, सबसे पहला काम आपको टोटल करना है, अरे बैकवर्ड की मैं बात करूंगा, बैकवर्ड पे भी अभी आएंगे। T20 होता है, A1 होता है, B2 होता है, L12 होता है, E5 होता है, 12 5 17 19 20 20 40 हो गया,
40 और 30 भी 27 का टोटल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 27, 5, 135, 135 में से 40 घटाओ तब भी टोटल काफी ज्यादा, तो बैकवर्ड का भी कोई रोल नहीं है। फिर बेटा वावल कॉन्सोनेंट का कोई खेल देखिए इनके बीच में, कि कोई वावल कॉन्सोनेंट का खेल तो नहीं है, वावल कॉन्सोनेंट का कोई पैटर्न तो नहीं है, तो वो चीज हमें यहां पर देखनी होगी। वावल है हमारे पास, जब मैं बात करता हूं तो 15 और 1 16 छिक्का 96 हो सकता है, अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वावल्स का टोटल हो सकता है, यानी वावल्स का टोटल मल्टीप्लाई कर दिया हमने अक्षरों की संख्या से, 6 अक्षर हैं, 5 और 1 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 बात बन गई, 100% बात बन गई। क्लॉक में वावल निकालो, बस वावल निकालो, वावल एक ही है 15, और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से, 15 पंजे होता है 75, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, जीएसडीयूबी का कोड है तो यूडीएनएआरजी का कोड क्या होगा? तो भाई यहां पे आपको देखना पड़ेगा, बड़ा यूनिक सा सवाल ये लग रहा है, 10 और 3 13, 19 में से एक कम करेंगे 18, JSDEUB, बी दो होता है तो बैक साइड से यहाँ पे 13 18 7 8 2 5। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो रैंकिंग है वो क्या है, बी का 5 से संबंध है, हाँ जी -2 कर दिया, +3 कर दिया, यू का 20 से संबंध है, बिल्कुल है जी -1 कर दिया, ई का 5 से संबंध है, बिल्कुल है जी +3 कर दिया, डी का 7 से संबंध है, बिल्कुल है जी +3 कर दिया, एस का 18 से संबंध है, बिल्कुल है जी -1 कर दिया, जे का 13 से संबंध है, बिल्कुल है जी +3 कर दिया। अब +3 -1 +3 +3 -1 ऐसा नहीं होगा, या तो सभी में +3 -1 +3 -1 होता। अब आपको ऑड इवन कौन भाई ध्यान रखना है, बी इवन है, जे इवन है, तो 3 हो गया, ई ऑड है लेकिन ऑड इवन नहीं है, ऑड इवन हो सकता है बेटा, जो ओड लेटर वैल्यू है वहां प्लस कर देता, इवन वालों में माइनस कर देता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ओड और इवन नहीं है तो ये हो सकता है जो है ऑड नंबर इवन नंबर नहीं है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के दो हिस्से बनाते हैं कि जो ए से लेकर एम तक आते हैं और जो एन से लेकर जेड तक जाते हैं। आप यहां देखिए, बी ए से लेकर एम तक आता है, ई ए से लेकर एम तक आता है, डी ए से लेकर एम तक आता है, जे ए से लेकर एम तक आता है, आता है ना? अगर आता है तो इनमें इन्होंने क्या कर दिया +3, और इनमें इन्होंने कर दिया है -1, ऐसे रिलेटेड। यूडीएनएआरजी का कोड जब हम बनाएंगे, यूडीएनएआरजी का कोड हम बनाएंगे, यूडीएनएआरजी का हम कोड बनाएंगे, तो यू वाले में -1 करेंगे तो हमारे को 20 प्राप्त होगा, डी में 4 और 3 7 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, एन 14 और 3 जोड़ेंगे तो हमें जो है 14 में से 1 घटाएंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा, 20 7 13 20 7 13 सभी में है, 20 7 13 सभी में। लास्ट पे आ जाओ बेटा, यहां से आंसर आएगा, जी 7 में 3 जोड़ेंगे 10 प्राप्त होगा, केवल एक ही ऑप्शन में 10 प्राप्त हो रहा है, वही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग सबकी सेम चली तो टाइम खराब नहीं करना, स्टार्टिंग सबकी सेम चल रही तो टाइम खराब नहीं करना, फिर आपको जो है तुरंत अगले अक्षर पर आ जाना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, ऑनरशिप को 13 कोड दिया गया, कोर को क्या कोड दिया जाएगा? अब ये बड़ी दुविधा हो जाती है हमारे पास, ऑनर शब्द को ये कोड दिया गया तो इसको क्या कोड दिया जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाती, बड़ी दुविधा हो जाती है। तो भाई और एक ही दिया है, ओ डब्ल्यू एन एस एच आई पी, दुविधा वाला सवाल है, 13 कोड इसका हो नहीं सकता, रैंकिंग का टोटल करें तो रैंकिंग का कोई खेल नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 28, 3, 31 जोड़े तो कोर का भी ऑप्शन बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा ऑप्शन तो यह है, रैंकिंग तो 100% नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया क्योंकि यहां पे इन्होंने 13 कोड दिया है। तो भाई यहां पे इलॉजिकल सा टाइप अगर हम देखें तो पहले आखिरी अक्षर पे 15 16 31, तो हमारे पास ये 15 आया, हमारे पास ये 16 आया, 31 का उल्टा 13 हो सकता है,
के 11 आया, आर 18 आया, 18 11 29 का 92, लेकिन तुक्का भी हो सकता है। ऑनरशिप में अगर हम वॉवल्स की बात करें तो हमारे पास ये 9 है और ये 15 है, 15 और 9 24, 13 दूनी 26 माइनस 2, 15 दूनी 30, तो वो भी तो फेल हो गया बेटा, 30 नहीं होगा, 30 4 34। तो फिर यही है कि ओ 15 है और पी 16 है, 15 और 16 31 होता है, 31 का उल्टा हम कर देंगे तो ये 13 है, के 11 आर 18 और उसका उल्टा हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 92 होगा। तो भाई अगर देखो, कोई कहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो टाइप आपने रिसेंटली कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ा, जैसे आपने आज पढ़ लिया और ऐसा कोई सवाल एग्जाम में अटकता है, देखो रैंकिंग का तो हमें डिफरेंट था कि रैंकिंग तो हो ही नहीं सकती यहाँ, निश्चित रूप से रैंकिंग का कोई, तो रैंकिंग के सारे पहलू भूल जाओ। जब आप रैंकिंग भूल जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, वॉवल पे देखना है, कॉन्सोनेंट पे देखना है, या पहले आखिरी अक्षर पर जो है दारुमदार हो सकता है, तो पहले आखिरी अक्षर से जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, सही आंसर बना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिट का 151 है पिग का को, अब कोड काफी बड़ा है, पिग का जो कोड दिया गया है वो काफी बड़ा है, अगर इनका रैंकिंग का टोटल करें तो रैंकिंग का टोटल तो वो है ज्यादा बन जाता है, बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई करने से बड़ी वैल्यू आ सकती है, एस आई टी एस 19 होता है, आई 9 होता है, टी 20 होता है, सबका मल्टीप्लाई करूं तो काफी बड़ा है, 20 निम्मा 180, सबका मल्टीप्लाई करें तो क्या है बेटा, एस 19 है, आई 9 है और टी 20 है, तो सबको जब हम टोटल करते हैं तो ये जो रैंकिंग है ये काफी बड़ी है, तो 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171 माइनस 20, तो बात बन गई बेटा, 19 निम्मा 171 माइनस 20। पिग की बात करते हैं, पिग की बात करते हैं तो पी 16 होता है, आई 9 होता है, 16 निम्मा 144, में से 7 गो 137 हो ही गए आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमें कैसे पता चला मल्टीप्लाई था, क्योंकि बड़ी संख्या जो आती है वो मल्टीप्लाई करने से आती है, बड़ी संख्या जो आती है वो मल्टीप्लाई करने से आती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जब इस कोड को देखेंगे कि पायलट का कोड है और ड्राइव का कोड है तो सेक्रेड का कोड क्या होगा, पी 16 होता है हमें यहां दिख गया, आई 9 होता है हमें यहां दिख गया, एल 12 होता है यहां दिख गया, ओ 15 होता है यहां दिख गया, टी 20 होता है यहां दिख गया, मेरी पहली नजर इसी पे गई, लेकिन क्या ये बढ़ते क्रम में नहीं है कि पहले 9 है फिर 12 है फिर 15 है फिर 16 है और 20 है, तो बढ़ते क्रम में जो हमारा टोटल ऑप्शन होगा हम उस पर ध्यान देंगे बढ़ते क्रम में। अब 13 54 19 18 हमारे पास सेक्रेड है, 1 2 3 4 5 6, एस 19 होता है और ए 1 होता है, तो एक से शुरुआत होनी चाहिए, 19 पे खत्म होना चाहिए, एक पे शुरुआत होनी चाहिए, 19 पे खत्म होना चाहिए, एक पे शुरू 19 पे खत्म, एक पे शुरू 19 पे खत्म, 19 यहां, एक पे शुरू, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये है बेटा रीअरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी के क्रम से लगाना, यानी यहां पे हमें कोई ना कोई क्रम डिक्शनरी का दिया जाएगा और उसके ऑर्डर में हम इसे अरेंज करने वाले हैं। 31 के बाद 32, पार्क का कोड क्या होगा, ये सेम सवाल है, तो व्हाट इज द कोड फॉर द पार्क, पार्क का कोड क्या होगा, पार्क कैट प्रेजेंट का कोड ये है, पिकनिक पार्क कैट का कोड ये है, तो भाई इतना सिंपल सा सवाल और पार्क फिर हमें दिख गया, तो जब हमें पार्क यहां भी दिख गया, ये सवाल आएगा इस टाइप का, जब हमें पार्क यहां भी दिख गया, पार्क यहां भी दिख गया, पार्क यहां भी दिख गया, एम ए एम ओ एक्स ओ एम ए एम ओ और फिर एम ए दिख गया, फिर एम ए दिख गया, फिर एम ए दिख गया, पार्क का कोड होगा एम ए, यानी ये टाइप था जब हम कोडिंग निकालते हुए सिमिलर पोजिशन पर कोड करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीन पे नजर डाल लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 33, फिर मैं आपको कराता हूं। वेल का कोड ये है और वर्क का कोड क्या होगा, डब्ल्यू 23 है, 23 मुझे दिख रहा है, ई 5 है, 5 मुझे दिख रहा है, एल 12 है, तो ये बैक साइड से दे दिया है, तो ये क्या दिया भाई, बैक साइड से, एल 12 होता है तो उसे 12 लिख दिया, एल 12 होता है उसे 12 लिख दिया, और ई 5 होता है 5 लिख दिया, वर्क में के 11 होता है, W 23 लास्ट में जाएगा, 11 पे शुरू होगा और 23 पे खत्म होगा, 11 पे शुरू होगा 23 पे खत्म, 11 पे शुरू 23 पे खत्म, ऑप्शन नंबर 4, एग्जाम में आपको इतना ही टाइम लगाना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 34, EODR स्टैंड्स फॉर टीवी, गोट किसके लिए स्टैंड करेगा? कह रहा टीवी का कोड ये है तो गोट का कोड क्या होगा? अब देखो भाई, चार अक्षर है तो दो में कोड दिखाई दिया, चार अक्षर है तो दो में कोड दिखाई देगा, है ना मेरे भाई? तो जी ओ ए टी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टी और वी। अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इनके बीच में कोई पैटर्न को पहचानना पड़ेगा कि इनके जो बीच में जो पैटर्न है वो क्या है। अच्छा, गोट का तो दिया है, ईओडीआर का ई ओ, तो ये ईओ के लिए होगा, ये ईओ के लिए होगा, ये डीआर के लिए होगा। मैंने एक टाइप आपको कराई थी ना कि जब अक्षरों की संख्या डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो यहां देखो बेटा टीवी से डबल हो गया और गोट का कोड क्या है, तो एक कोड दो को रिप्रेजेंट करेगा। ई पांच होता है, ओ पंद्रह होता है, पंद्रह और पांच बीस, बीस पर क्या होता है टी, डी चार होता है, आर अठारह होता है, अठारह और चार बाईस, बाईस पर क्या होता है वी। गोट का कोड हमसे पूछा है, जी ओ एक साथ रहेगा, ए टी को एक साथ रखेंगे, जी सात होगा, ओ पंद्रह होगा, पंद्रह और सात बाईस, बाईस पर वी होगा, बीस किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ए वन होगा, टी बीस होगा, बीस और इक्कीस यू होगा, वी और यू उत्तर होगा, वी और यू ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा, वी और यू ऑप्शन नंबर चार। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिखाई दिया कि ग्यारह का कोड ये है, तो भाई जब ग्यारह का कोड है तो हमें तो यहां निश्चित रूप से एक चीज नजर आई कि जेड बहुत नजर आ रहा है और इसके कोड में भी जेड नजर आ रहा है। तो जब एक ही लेटर ज्यादा रिपीट होता नजर आए तो समझिएगा कि किसी अक्षर का स्पेसिफिक कोड वो लेटर ही है। जब एक लेटर ज्यादा नजर आए तो किसी अक्षर का स्पेसिफिक कोड वो लेटर ही है, हमें उस पर ध्यान देना है। भाई जी से जे आ गया तो हम कहेंगे यहां पे तीन जोड़ दिया है, आर में तीन जोड़ेंगे तो हमारे पास यू भी आ गया है, जी में तीन जोड़ देंगे हमारे पास वो जे आ गया है। लेकिन ए का जेड ये वॉवल है, ए का जेड ये वॉवल है, ई का जेड ये वॉवल है, यानी यहां पे क्या किया गया, यानी वॉवल्स को तो यहां जेड कोड दिया गया है और कॉन्सोनेंट्स में तीन जोड़ा गया है। याद कीजिए मैंने क्लास में आपको एक टाइप कराई थी कि वॉवल और कॉन्सोनेंट में यहां पे अलग अलग जो है वो पैटर्न हो सकता है। तो यहां पे वॉवल में अलग पैटर्न है, कॉन्सोनेंट में अलग पैटर्न, स्टैमर शब्द है, स्टैमर शब्द है हमारे पास ए जेड, तीसरा अक्षर जेड होना चाहिए, यहां पर जेड नहीं है, यहां पर जेड नहीं है, ये रहा। ई में हमारे पास जेड होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तो हमारे पास ये रहा, तो टी से टी नजर तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे आंसर जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा। 35 के बाद चलते हैं 36, ट्रेंड का कोड चार, फ्रेजाइल का 12, बड़ा छोटा कोड है भाई, हमारे क्या है, हमारे पास बड़ा छोटा कोड है, लेकिन यहां पे ऑप्शन थोड़ा बड़ा आ गया क्वालिटीज का, तो यहां पे फिर से वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज हो सकता है। वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज कैसे हो सकता है, जब हम यहां ट्रेंड की बात करेंगे, और ट्रेंडिंग वाले ही सवाल करा रहा हूं, तो हमारे पास वॉवल एक है, हमारे पास यहां पे वॉवल एक है, हमारे पास यहां पे कॉन्सोनेंट चार है, दोनों की गुणा चार। पहले आप अपना सॉल्व किया करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं, फिर मैच किया करो, आपसे हुआ या नहीं हुआ, सब अच्छे लेवल के सवाल है। फ्रेजाइल का कोड एफ आर ए जी आई एल ई, फ्रेजाइल के कोड की जब हम बात करेंगे, यहां पे फ्रेजाइल के कोड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वॉवल जो है, यहां पे वॉवल्स कितने हैं, एक वॉवल है, दो वॉवल है, तीन वॉवल है, कॉन्सोनेंट है एक दो तीन चार, तो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है तो तीन चार पांच छह सात है, तो हमारे पास यहां पे क्या है कि पोजिशन है, तो कितने कॉन्सोनेंट है, कितने वॉवल है, वॉवल तीन नहीं हमारे पास, वॉवल है एक दो तीन चार, तीन बारह, कॉन्सोनेंट चार है, कॉन्सोनेंट चार है तो चार के कितना हो गया 12। क्वालिटीज में हमें टोटल निकालना पड़ेगा, भाई दो दो चार दो छह दो आठ एक नौ शब्द है, नौ में से वॉवल कितने हैं, नौ में से वॉवल कितने हमारे पास, एक दो तीन चार, तो पांच चौक बीस बनेगा, बीस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ओपन को 17, 18, 7, 16 लिखा गया, क्लोज को कैसे लिखा जाएगा? तो रैंकिंग का ही खेल है भाई सारे के सारे बच्चों, ओपन को लिखा गया 17, 18 और 7 और 16, तो 14 और 2 16 होता है, 5 और 2 7 होता है, 16 और 2 18 होता है, 15 और 2 17 होता है, सीधा सीन 3 2 5 होगा, 5 से शुरू होगा और 7 पे खत्म होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 24 हो गया बेटा, 12 दुनी 24, ये ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास 15 और 2 17 होगा, 19 और 2 21 होगा, 5 और 2 7 होगा, 3 और 2 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 38 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट से इसका सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या होगा, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। एनुअल का कोड 17 है, कैजुअल का कोड 11 है, तो मैनुअल का कोड क्या होगा। अब ये भाई यहां पे ना सेम सेम सी चीज नजर आ गई हमें, ठीक है। तो एनुअल और कैजुअल और मैनुअल, लेकिन यहां पे केवल 17 छोटा था, यहां पे 11 बहुत छोटा था। छोटा कोड कैसे बनेगा भाई, छोटा जो कोड बन सकता है वो कैसे बन सकता है बताओ। तो यहां पे जो हमारे पास है वॉवल का अंतर हो सकता है, कॉन्सोनेंट का अंतर हो सकता है, वॉवल कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है जो हमने यहां पे किया था, या इसका टोटल करने के बाद डिवाइड किया जा सकता है अक्षरों की संख्या से। तो जब हम यहां एनुअल की बात करते हैं ANNUAL, तो हमारे पास A1 है, N14, 14 28 है, U21 है, A1 है, L12 है। 12 और 18 होता है 40, 20 61, 62 63 हो गया। 63 का 17 से कोई संबंध नहीं है तो इसको हटा दो। A1 होता है, N14 होता है, N14 होता है, U21, A1, L12। तो वॉवल कॉन्सोनेंट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट की तरफ हम ध्यान देते हैं, तो A1 बनेगा, U21 बनेगा, A1 बनेगा। तो हमारे पास यहां बन गया 21, 22, 23, तो इनका टोटल बन गया 23। 14 कम 14, 14 में 28, 14 तीय 42 में से 2 कम कर दो 40, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 17 हो गया बेटा, वॉवल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है। कैजुअल में यह बात आपको चेक करानी पड़ेगी, हमें यह बात कैजुअल में आपको चेक करानी पड़ेगी। जब हम कैजुअल में चेक कराएंगे इसी बात को, तो C3 होता है, A1 होता है, S19 होता है, U21 होता है, A1 होता है, L12। आइए जब हम यहां पे चेक करते हैं तो हमें क्या नजर आया, तो हमारे पास A1 एक वॉवल है और ये भी एक वॉवल है और ये भी, 21 22 और 23, तो ये हमारे पास टोटल 23 बन गया। 19 और 3 22, 22 और 12 कितना होता है बेटा, 19 और 3 22, 22 और 12 होता है 34, तो 34 में से 23 गए तो ये 11 आ गया। एकदम सटीक है भाई, एकदम सटीक है। काम हमें करना होगा मैनुअल का, मैनुअल में A1 होता है, A1 होता है, U21 होता है, 21 22 23, तो 23 हमें जो है प्राप्त हुआ, तो 23 हमें कम करना होगा M13 और 14 जो होता है वो 27, 27 और 12 जो होता है, 27 और 12 होता है 39, 39 में से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15, 9 में से 3 गया 16 बचेगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 16। तो आप देख रहे हैं वॉवल कॉन्सोनेंट में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, आप देख रहे हैं वॉवल कॉन्सोनेंट में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 16 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मैरी को 65, डोनट को 20 लिखा जाता है, तो प्राइड का कोड क्या होगा। अब जब यहाँ पे हमारे पास जो कोड आया, हमारे पास यहाँ पे जो कोड आया, तो ये है मैरी, तो टोटल करके देखना पड़ेगा, लेकिन डोनट का टोटल करके 20 तो होना ही ना, फॉरवर्ड का होना ना बैकवर्ड का होना, तो टोटल तो बेटा नहीं हो रहा। वॉवल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो 15 और 11 26, और डिफरेंस लें तो 4 और 14 और 20, वो भी नहीं बन रहा है बेटा, वो भी नहीं बन रहा है। मैरी में 65 होता है, 13 65, हाँ ये हो सकता है बेटा, M13, तो M होता है 13, और 13 मैरी में 5 अक्षर है, तो 5 अक्षरों से मल्टीप्लाई किया, और 5 अक्षरों से मल्टीप्लाई किया तो 13 5 65 होता है। बात हम करेंगे डोनट की, डोनट में D 4 होता है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 4 5 हमारे पास 20 होता है। बात हम करेंगे प्राइड की, प्राइड में हमारे पास P 16 होता है, 1 2 3 4 5 होता है, तो 16 5 हमारे पास 80 होता है। ऐसे खतरनाक खतरनाक टाइप आपको कराए जा रहे हैं कि एक बार माइंड आपका अलर्ट हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरे बिना बताए ही आप उस लॉजिक पर पहुंच गए हो सकता है, ठीक है। अगर कोई आपको अल्टरनेट लॉजिक लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं कि सर यहां पे एक अल्टरनेट लॉजिक है जो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 39 के बाद 40, लुक 53, ग्रीन 49, तो ब्लू का कोड क्या होगा। तो भाई ये तो रैंकिंग के नजदीक जा भी रहा है, क्योंकि 15 और 15 30 माइंड ने बोल दिया, 15 15 30, 30 और 12 जो होता है 42, 42 और 11 होता है 53, तो ये तो टोटल बन गया, सीधा सीधा टोटल बन गया है, तो सीधा सीधा टोटल है। ग्रीन में भी मुझे हिंट मिला था 5 और 5 10, 10 और 18 28, 28 7 35, 35 और 14 49 होता है, तो ब्लू में B2 होता है, L12 होता है, U21 होता है और E5 होता है, 21 5 26, 26 और 2 28, 28 और 12 होता है 40, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 40 होगा। आगे चलते हैं,